देखो रेनबो आ रहा देयर इज ऑलरेडी समथिंग इन द लोकर ओ भैंस क्यों देख लो तुम व्लॉगिंग के चक्कर में क्या हो गया सो राधे राधे एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अभी वेट कर रहे हैं बस का 12 बजे क्लास है 11:15 हो गए आराम से ही जाएंगे क्योंकि टीचर भी आराम से ही आती है हेलो सर सर कैसे हो सर बढ़िया रिकॉर्ड हो गया हमने देखा आ जाओ गाइस सारे कैसे आएंगे सारे यार रुक जा ले और यहाँ हमारी क्लास खत्म होती हुई और हम पारी करने जा रहे हैं तो हमारा हॉस्पिटल दिखाए आपको गाइस ये रहा हमारा हॉस्पिटल और पीछे वाला कैमरा कैसे ऑन होता है जूम नहीं होता गाइस पता नहीं क्या है इसका फीचर सभी भाई क्लास हमारी होगी खत्म अब यहाँ पे कहते हैं प्रेसिडेंट पार्क चलते हैं थोड़ी देर घूमते हैं बैठते हैं भूख लगी है कुछ खाने के लिए ले लेते हैं मैगजीन से यहाँ तो सारे गेट लगे हुए हैं बंद है हाँ लिखा तो हुआ है कुछ नोटिस लगा हुआ थे चलो वापस चलो क्या ही करेंगे मेंटेनेंस चल रही है 2 दिन बंद है चलो वापस बहुत गर्मी भी बहुत है भाई ज़्यादा ही गर्मी हो रखी है आज तो है क्लास से तो आ गया बुरी हालत हो गई आते आते चलते चलते थक गए इतना एक तो गर्मी इतनी है आज ये खाते हैं फिर बनाए के खाना रेस्ट करके थोड़े देर ये रख दिया सब्जी ऑलमोस्ट हो ही गई है ये मैंने पहले ही बेल दी है बस इधर से घी लग रहा है सब काम हो गया लगभग बस अब लग रही है भूख 4 बज गए शाम के लगभग 3:38 हो गए 3:38 ये क्या था भाई अभी हम जस्ट निकलने वाले थे और ये देखो तूफान आ गया बाहर आंधी वाधी आ गई तगड़ी ऊपर बादल भी तगड़े हो रहे दिख नहीं रहे इसमें सही से फोन में कैमरे में बाय थोड़ी बहुत आ रही है इतनी भी नहीं आ रही बट ठीक है भीगते भीगते जाएंगे मौसम देखो एक बार भाई आई डोंट नो ये आ रहा है वीडियो में नहीं आ रहा वो देखो रेनबो आ रहा गया अभी बारिश हुई थी ना और इधर साइड अपोजिट साइड सन था वो दिख रहा वो देखो भाई आज चलना नहीं पड़ा आज 2 स्टॉप के लिए बस पे ही आ गए हम जैसे तैसे चढ़ गए बस मस्त मौसम है यहाँ पे रखे हुए भाई शू कवर्स पहले पहनो वहाँ पे इंडिया में नहीं होता ये सब डेप्ट वाईफाई ओके चेक द वाईफाई क्या चीज़ कुछ सामान रखा हुआ है यार उसमें किस में पत्थर देर इज ऑलरेडी समथिंग इन द लोकल लॉकर 17 तो पेमेंट हो गई मेरी 1 महीने की करा ली भाई आज का हो गया वर्कआउट और स्ट्रेचिंग भी हो गई तो भाई वर्कआउट डन बैक करी ओ भैंस क्यों देख लो तुम व्लॉगिंग के चक्कर में क्या हो गया
कीचड़ में पैर, कभी बैक करी और ट्राइसेप्स करी। अब मैं स्मॉल में जाऊंगा तो गंदा लगेगा। अब यहाँ से भाई प्याज व्याज लेने हैं, रुक जा गाड़ी आ रही है, दिख और नहीं रही इधर से। प्याज व्याज लेने हैं, प्याज लेके घर जाते हैं सीधा, क्योंकि बेस्ट है आधे घंटे के अंदर अंदर ले लो प्रोटीन वोटीन तो बढ़िया अब्जॉर्ब हो जाता है। इतनी तो कोई हैवी करी नहीं, बट अभी मैं घर से बनवा के लाया था ड्राई फ्रूट, उसमें काफ़ी सारे सीड्स हो गए और ड्राई फ्रूट का जो पाउडर होता है बेस्ट प्रोटीन। तो ये जिम के पास में बिल्कुल बैक साइड पे है स्मॉल, काफ़ी बड़ा है, तो उधर से एंट्री लगता है जादू। और अगर ये घूम गया तो आपका बैग गया। भाई यार सेब तो है, ले ही लूँगा ये वाले। ब्लॉगर ब्लॉगर हाय। वो प्याज हो रखे हैं अभी लगभग 15 रुपए किलो, सबसे सस्ते अभी तक मैंने यही देखे हैं आज तक। भाई घंटा लग गया वहाँ से, एक तो इतना बड़ा है ना, और सारी चेक वाली लाइंस भरी हुई हैं इस टाइम पर। टेन टेन है, अब चले घर खाना वाना बनाना है जाके, हालत बुरी होगी। अभी बस स्टॉप पे आ गए हैं और 9:15 हो गए, वैसे लेट हो रहे थे इतना, और अभी बस भी देख रहे हैं, दिखाता हूँ मैं कितनी सारी बसेज हैं, और इनमें से आ सिर्फ एक रही है, वो भी बहुत दूर है अभी, ये देखो। भाई हम जैसे घर घुसे, ये देखो नीचे बारिश, पूरे बादल बन रखे हैं। सही टाइम पे एंट्री लिया हमने घर में। मौसम बढ़िया हो गया एकदम, मेरे मुंह पे लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बट मज़े आ रहे हैं घूमने में। ये आ गई है दुकान जहाँ से भरते हैं हम, और पानी नहीं है, आउट ऑफ सर्विस। मैं पैसे भी नहीं लाया, ना वॉलेट लाया और ना फ़ोन लाया। अबे यार भाई, एक होता है दिन ख़राब, एक होती है ज़िंदगी ख़राब, मेरे दोनों हैं। तो भाई ये मशीन दिख तो गई है हमें यहाँ पे एक, अब यहाँ पे भी ख़त्म ना हो नहीं तो प्यास लग रही है। है यहाँ तो है, ले डाल, मतलब मैं डालता तू वो डाल क्या नहीं, पानी तो मिल गया, नहीं तो हमारे पानी पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है खाने पीने से। तो दो मशीन हैं आसपास, अब पता लग गया, इतने दिन से हम एक ही जगह जाते थे, वो एक पहले भी हुआ था, एक ही आउट ऑफ सर्विस हो गई थी, और फिर हम एक और कंटेनर उठा के ले आए थे, अब ये ले लिया। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे।